फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हैक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हमें अपनी स्टडी टेबल वहाँ अरेंज करनी चाहिए जहाँ प्रॉपर नेटवर्क आए, तभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लासेस शुरू होने से पहले बच्चों से टेबल अरेंज करवा लेनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आज सब्जेक्ट कौन से हैं, ताकि जब स्कूल रीओपन हो तो बच्चों की हैबिट ना छूटे, क्योंकि क्लास में भी बच्चे खुद से ही कॉपी और स्टेशनरी निकालते हैं। ऐसे करने से उनकी हैबिट नहीं छूटेगी। आज ईवीएस है, मैथ्स है ना? यस। जो कल मैम टॉपिक कल पढ़ाएंगी उसको मैं पहले से ही पढ़ लेता हूँ, जिससे मुझे समझने में भी आसानी होती है और मैं मैम से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। I would be thankful that I can wiggle and giggle with glee. So I yes. just think I am lucky. आपको ये चाहिए कि बच्चा to be me, जरूर not से you, पार्टिसिपेट करे जब ऑनलाइन क्लास चले, ये ध्यान रखिए। If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were a octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I. Okay, that was very nice. Thank you, ma'am. Very nice. Good. Keep it up. Very good. Very good. ऑनलाइन क्लासेस में मुझे जो होमवर्क मिलता है ना, मैं उसको लैपटॉप से देख के नहीं करता। मेरी मम्मा मुझे वाइट बोर्ड पे दे देती है लिखकर, उसको मैं अपनी सब्जेक्ट कॉपी में उतार लेता हूँ। इससे मेरी हैबिट भी बनी रहेगी और मेरी आंखों में कुछ असर भी नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज तो बिल्कुल बंद हो गई हैं, इसलिए मैं अपने ग्राउंड में जाता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ। अर्ली टू वेज एंड अर्ली टू राइज, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। जल्दी सोना है और जल्दी उठना है।